गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। तो हमने आम का अचार बनाने के लिए पहले आम को धुल लिया है। धुलने के बाद आम को इस प्रकार काट लिया है। अब हम इसका बनाएंगे मसाला। तो हम अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो हम उसका मसाला बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने लिया सरसों थोड़ी सी, जितना आपका आम हो आप प्लीज उतनी ही सरसों अपने हिसाब से लीजिए। तो हम इतनी सरसों डाल रहे हैं इसमें, थोड़ी सी डाल रहे हैं सौंफ, सौंफ से खुशबू थोड़े से चार की ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो हम ज़्यादा थोड़ी सौंफ डालेंगे। हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, लौंग। तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने इसको दरदरा पीस लिया है, हमको बिल्कुल इसको एकदम महीन नहीं पीसना है, हमें उसको दरदरा पीसना है। हम इसका अचार बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारा मसाला इसका रेडी है। अब हम देंगे फ्रेंड्स इसमें आम की कटिंग पीस है। हमने इसमें आम के सारी पीसेस ले लिए हैं। तो ये हमने जो मसाला बनाया था इसमें डालने के लिए, ये अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सब जगह। डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, इसमें नमक डालूंगी, जो कि हमने आम को गलाया नहीं है, तो मैं इसमें ज्यादा नमक डालूंगी, इसमें ज्यादा नमक डालूंगा। और ये मैंने सॉरी गाइस, मैंने इसको स्किप कर दिया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ली है और अदरक ली है और थोड़ी सी लहसुन ली है। मैंने ये तीनों को मिलाकर इसका एक सूखा सा पेस्ट बना दिया। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें सूखी मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, पर अगर आप ये बनाकर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा तीखापन, क्योंकि हम कच्चा अचार बना रहे हैं इसका, तो हमें इसमें ऐसी ही चीज़ें डालनी चाहिए। ये मैं थोड़ा बस अब हम इसमें डालेंगे तेल। गाइस मैं थोड़ा सा सिरका ले रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने घर में बनाए हैं सिरका। मैं सिरका थोड़ा डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा आम तो खट्टा है ही है, तो मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप प्लीज़ सिरका ना डालें, आप इसमें नींबू थोड़ा डाल सकते हैं। फाइनली हमने इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं, हल्दी डाल ली है, नमक डाल लिया है और मिर्च और धनिया और ये सारी चीज़ का पाउडर डाल लिया है। अब हम इसको मिलाएंगे, आप अच्छे से इसको मिलाएं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ कम लगती है तो आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के इसमें कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे लोग आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, आप इसमें पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं। गाइस इसमें मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है, तो मैं इसमें मसाला थोड़ा और ऐड करूँगी। वैसे इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं, सारी चीज़ें और डालेंगे। तो गाइस ये हमने पूरा अचार मिक्स कर लिया है, मिक्स कर लिया, ये देखिए पूरी फाइनली मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको डालूंगी किसी जार या बर्तन में। अब हम इसको एक जार या बर्तन में डब्बे में भरेंगे, मैं इसको डब्बे में भर रही हूँ। आप इसको बर्नी जार किसी चीज़ में डाल सकते हो। हाँ, हमने पूरा अचार इसमें भर लिया है डब्बे में, ये देखिए मैंने पूरा अचार भर लिया है। इसका मसाला थोड़ा सा बच गया है, इसका मसाला बच गया है, तो मैं इसी में डालूंगी।
गाइस ये देखिए मैंने इसमें पूरा मसाला डाल दिया है जो लास्ट में बच गया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पक जाएगा ये, अच्छी तरह से गल जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप देखिए ये मैंने पूरा डब्बा भर दिया, एक डब्बा मैंने ज़्यादा बनाया है। आप थोड़ा बना रहे हो तो थोड़ा मसाला डालो। मैंने ये बंद करके इसको एक हफ्ते के लिए धूप में रख दूँगी एंड एक हफ्ते बाद मैं आपको ये फिर से दिखाऊँगी कि ये कैसा लगता है। गाइस तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो मैं उसमें इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी कि ये कैसा लग रहा है खाने में और दिखने में कितना टेस्टी दिखता है और खाने में। इसको मैं बंद करके एक हफ्ते के लिए धूप में रख देती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।